हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑल इन वन सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों मैं हूं नीरज आर्य। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो NIS के द्वारा जो परीक्षा कराई जा रही है, जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं जिसको कहते हैं DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसकी परीक्षा जो है 31 मई से शुरू होने वाली है। 31 मई को जो है वो पेपर होगा आपका 501, भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप्य है। तो दोस्तों इसके विषय में जो है एक मैंने मॉडल प्रश्न पत्र जो है बनाया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके आधार पर, तो आप उससे जो है यूनिट वाइज तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो शुरू करने से पहले कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपको मिलेंगी सबसे पहले सबसे जल्दी। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। NIOS DLED 2018 कोड नंबर 501 यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में जो है आने की संभावनाएं हैं। ये जो 501 है, भारत में प्राथमिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्षेप्य है, इसके इस बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं और जो है परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। विस्तृत उत्तर प्रश्न में 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 3 प्रश्न जो है आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यह प्रश्न पत्र हमने BTC, जो BTC होती है उसके द्वारा लिया गया है, क्योंकि हाल ही में BTC की परीक्षा हुई है, उसके जो पेपर थे उसके आधार पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य एवं आदर्शों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 2, वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल की भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों की तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 3, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली के प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए कि इसकी जो है क्या देन है। प्रश्न नंबर 4, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा प्रदान की थी, इस पर आलोचना की लिखनी है। प्रश्न नंबर 5, लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी इसके जो सुधार थे शिक्षा संबंधी वो आपको लिखने हैं। दोस्तों अब बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वैदिक काल में शिक्षा के उद्देश्य संक्षेप में लिखिए। वैदिक काल में जो भी शिक्षा के उद्देश्य थे आप लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 7, मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य सिफारिशें लिखिए। प्रश्न नंबर 8, मैकाले के विवरण पत्र के गुण दोषों का वर्णन करें। प्रश्न नंबर 9, वुड के आदेश पत्र की प्रमुख सिफारिशें लिखिए। प्रश्न नंबर 10, पवज्जा यानी प्रवज्जा जो बौद्ध धर्म में संस्कार है, उपसंपदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी दो संस्कार है पवज्जा और उपसंपदा, इसके बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। दोस्तों ये था हमारा प्रश्न पत्र जो BTC के आधार पर लिया गया है। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको यूनिट वाइज तैयारी करनी है। यूनिट 1, 2, 10 यूनिट है 501 में, ये 10-10 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। किससे, कोर्स बहुत बड़ा है क्योंकि इसके अंदर 10 यूनिट दी गई हैं 501 के अंदर, और थ्योरी भी बहुत ज़्यादा अधिक है इसके अंदर। अब इसमें जो है 10-10 क्वेश्चन जो हम आपको देंगे यूनिट वाइज, और 10-10 क्वेश्चन आपको तैयारी करनी है, यानी 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं जब आपकी जाके तैयारी होगी। अब आप कहेंगे कि यार 50 क्वेश्चन तो बहुत हो जाते हैं, 50 थोड़ी ना आएंगे, 10-12 आएंगे, मगर कोर्स इतना बड़ा है, मैटर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये शिक्षा का इतिहास है, इसीलिए जो है इसमें आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप जितने अधिक से अधिक पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए मैं शॉर्ट क्वेश्चन इसमें नहीं दे रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जल्द ही, यूनिट वाइज के हिसाब से नहीं, पूरी एक यूनिट बनाऊंगा मैं, यूनिट 1 से लेकर 10 तक एक वीडियो जो है अभी थोड़े दिनों में देर में डाल दूंगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं, उसमें उत्तर भी दिए गए हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो हमारी जो है आज ही आपको यूनिट 2 की जो है 501 की मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को दूर तक पहुंचाने के लिए आप जो है वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।